सर एक्सपेक्टेशंस एक तो होती हैं जो दुनिया वालों को हमसे होती हैं हमारे पेरेंट्स को हमसे होती है हमारी गर्लफ्रेंड को हमसे होती है सर उससे बड़ी एक एक्सपेक्टेशन होती है जो आपको ख़ुद से होती है अब थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँ मैं आपको क्वेश्चन तो सर जैसे हम लाइव लाइक बचपन से जब हम स्टार्ट करते हैं ग्रो होना तो हमारे एक्सपीरियंसेस हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को अफेक्ट करती हैं फिर हम आगे मूव करते हैं तो स्कूल में काफ़ी कुछ सीखते हैं फिर हम कॉलेज में जाते हैं और इसी जब हम कॉलेज के दौरान हम आगे बढ़ रहे होते हैं हम अपने अंदर कुछ गलत हैबिट्स भी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं और वो एक आप उस जोन में जाने शुरू कर देते हो कि जहाँ से वापस आना मुश्किल होता है और कॉलेज जब हमारा ख़त्म होता है फिर हम जॉब में जाते हैं जब हम तो हमें रियलिटी एक फेस होती है कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वाज एक्सपेक्टिंग और हमारी एक्सपेक्टेशन का ग्राफ बढ़ता जाता है और हमारे एक्शन का ग्राफ ऐसे ही कॉन्स्टेंट रहता है और धीरे धीरे क्या होता है कि सर वो गैप बढ़ता जाता है एक फ्रस्ट्रेशन अंदर बढ़ती रहती है और अपने आप से हम फिर झूठ बोलने शुरू कर देते हैं हम अपने गोल्स को कहीं ना कहीं दबाना शुरू कर देते हैं हम अपने विजन्स को दबाना शुरू कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या करें तो सर ये मेरा एक ब्रॉड क्वेश्चन है बेसिकली हुआ क्या है कि जब आपने एफर्ट किया अपने उस गोल की तरफ जो बेसिकली बहुत बड़ा था उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करी और जब वो अचीव नहीं हो पाया और आपको फेलियर मिला या मे बी मल्टीपल फेलियर्स मिले उसके बाद में आपने गोल्स को और इन सब चीज़ों को ही दिया अपने माइंड से ये सब चीज़ें निकाली दी और फिर क्या किया कि अपनी जो रियलिटी है उस पर एक तो कॉम्प्रोमाइज़ किया और फिर अब जब एक्चुअल में कोई गोल है ही नहीं कोई फ्यूचर ढंग का हमको नज़र ही नहीं आ रहा है कोई बड़ी चीज़ नजर ही नहीं आ रही है तो फिर हुआ क्या कि फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमीजिएट हमको प्लेजर देती है जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं उसमें हम इंडल्ज हो गए तो जितना उसमें इंडल्ज हो गए उतना फ्यूचर से हम और कटते चले गए अब तो एक नई लड़ाई शुरू हो गई है कि प्रेजेंट में एक सही आते हैं गलत आते हैं गलत आतों है, आत तो में हम पढ़ चुके हैं अब उससे बाहर कैसे निकले ये एक नई लड़ाई चल रही है ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पर कि हम जा करके फंस चुके हैं क्योंकि अब यहाँ से नहीं निकलेंगे तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचेंगे अब देखो इसको ध्यान से समझो नंबर एक जहाँ पर भी हम फंसे हुए हैं यानी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का अपने आप में ट्रैप है या फिर जिसको भी हम बुरी हैबिट्स बोलते हैं वो बुरी हैबिट्स क्या है बेसिकली स्मोकिंग हो गया ड्रिंकिंग हो गया ये हो गया वो हो गया तो अब अगर इन सब से हमको बाहर निकलना है तो अपना एफर्ट यहाँ पर वेस्ट मत करो कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है क्योंकि वो एक फ्यूटाइल एफर्ट है वो एक अननेसेसरी एफर्ट है क्योंकि अगर वहाँ से बाहर निकल भी गए तो करोगे क्या तो क्या करो वहाँ से अपनी एनर्जी हटा दो धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप ही छूट जाएंगी जब आपके पास में एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा करने के लिए जिसमें आपको मज़ा आ रहा होगा और जहाँ पर आपका पूरा फोकस चला गया होगा कि आपके पास में और कोई चीज़ के लिए फालतू टाइम ही नहीं होगा तो धीरे धीरे वो सब चीज़ों से ध्यान ही हट जाएगा ओके okay. ध्यान हटाने की कोशिश करोगे तो वो और पक्का हो जाएगा जितना कोशिश करोगे ना मैं ये ना करूँ वो और स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज योर माइंड इज गोइंग ऑन दैट यू आर ट्राइंग टू लीव इट एंड इट विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रांगर इट विल बिकम मोर एंड मोर एनग्रेव्ड इन योर डीप सबकॉन्शियस अब क्या करो कि फ्यूचर से रिलेटेड अपनी कोई इंटरेस्टिंग विजन क्रिएट करो कि माई फ्यूचर इज गोइंग टू बी समथिंग अमेजिंग अब वो कैसे होगा सोचने से तो नहीं होगा क्योंकि आप क्या सोचोगे यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट द आउटकम दैट इज द प्रॉब्लम यस विद नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट ऑफ पीपल अगर मैं आपको कह रहा हूं ना फ्यूचर के बारे में सोचो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर में क्या मिलेगा उसके बारे में सोचो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर में आप क्या बनने वाले उसके बारे में सोचो वॉट काइंड ऑफ पर्सन यू वॉन्ट टू बी थिंक मोर अबाउट दैट नॉट वॉट यू आर गोइंग टू गेट क्योंकि फ्यूचर में हम सोचेंगे अभी तो हम क्या सोचेंगे कि अभी मैं मान लो महीने का पचास हजार रुपये कमा रहा हूँ अब मैं महीने का पांच लाख कमाने लग जाऊंगा ये किसी काम का नहीं है ये तो उल्टा आपको और फंसा देगा करेक्ट तो अपने आप को देखो कि आज की डेट में मैं अपनी स्किल वाइज या जो भी कुछ मैं अंदर से हूं hmm. जो भी मेरी कैपेबिलिटीज हैं वो किस लेवल पर है अपने आप से सच बोलो ओके okay. तो वो आपने पहले एनालिसिस किया कि अभी मैं यहां पर हूं एक पेपर पे लिख दिया अब देखो कि मैं क्या बनना चाहता हूं दैट हैज टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग तभी आप इस ट्रैप से निकल सकते हो जो आप बनना चाहते हो अगर उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ इंटरेस्ट है उसमें जो आप पाना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल कि आपके माइंड में आया मैं क्या बनना चाहता हूं अभी मैं कंपनी में जॉब करता हूं मैं इस लेवल पर हूं पांच साल बाद ना मैं यहां पहुंचना चाहता हूं डू यू एक्चुअली वॉन्ट टू बी देयर उस बंदे को देखो जो ऑलरेडी वहां पर बैठा हुआ है देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्या वो अपनी लाइफ से बहुत खुश है तो अगर आपको आंसर आया कि ऐसा कुछ खास तो है नहीं उसमें अभी भी लाइफ चल रही है तब भी चल रही है उल्टा प्रेशर और ज्यादा आ गया है क्योंकि हिरारकी में जो जितना ऊपर उठता चला जाता है उसके ऊपर प्रेशर उतना ही ज्यादा आ जाता है yes, जो नीचे बैठे हैं उनकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं होता है तो जितना आप ऊपर जाते चले जाओगे उतना ही ऊपर से और प्रेशर आता चला जाएगा नीचे वालों को मैनेज करने का प्रेशर और ऊपर से और ज्यादा प्रेशर के नीचे काम क्यों नहीं हो रहा है आप तो और ज्यादा फंस गए आप निकले कहाँ उससे तो एक्चुअल में आप उस पैकेज को पाना चाहते हो जो उस लेवल पर पहुंचने के बाद में मिलेगा कि अभी आपका पैकेज है मान लो एक्स तो वहां पर जाकर के हो जाएगा टू एक्स थ्री एक्स इससे ज्यादा आदमी सोचता भी नहीं है अभी अगर पचास साठ हजार रुपये महीने का कमा रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा सोचेगा कि मेरे को लाख रुपये मिल जाएगा दो लाख मिल जाएगा अच्छा उसके लिए मैं क्या करूंगा मैं अपना ये डिग्री और ले लूंगा मैं ये डिप्लोमा और ले लूंगा मैं ये पढ़ाई कर लूंगा तो उससे मेरा क्या होगा रेज्यूम और अच्छा हो जाएगा अब मेरे को ये मिल जाएगा तो आस्क योर सेल्फ डू यू एक्चुअली वॉन्ट टू डू दैट वर्क आई यू पैशनेट अबाउट द वर्क और यूर जस्ट पैशनेट अबाउट द आउटकम तो आपको क्लियर आंसर मिलेगा कि मेरा काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा इंटरेस्ट है जो वहाँ से मिलेगा उसमें क्या मिल जाएगा गाड़ी मिल जाएगी बड़ी गाड़ी गाड़ी तो अभी भी होगी और बड़ी गाड़ी आ जाएगी और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा तो उससे क्या होगा आप और ज्यादा इंडल्ज हो जाओगे अगर वो और मिल भी गया तो और ज्यादा इंडल्ज हो जाओगे इस ट्रैप में जिसको इंस्टेंट ग्राटिफिकेशन बोलते हैं यानी क्या दारू पार्टीज जिसको पार्टी बोलते हैं सर खाना भी आता है उसमें खाना आ गया मूवीज देखना मूवीज देखना या कुछ भी टाइम पास करना एक ऐसा काम आप कर रहे हो विच इज नॉट रिलैक्सिंग फॉर यू वहां से आप स्ट्रेस लेकर के घर पे आ रहे हो तो अब आपको क्या चाहिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो स्ट्रेस खत्म हो या कम हो ताकि की नींद आए रात को तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दो चार पैक लगाने पड़ेंगे <laughs> कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो उस काम से रिलेटेड ना हो क्योंकि तो वहां पे आठ दस घंटे अपना टॉर्चर करवा के आ गए वहां पे जो सीनियर थे उनकी भी सुनी जूनियर्स की भी सुनी और सारा प्रेशर लेकर के और काम भी ऐसा किया जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसी लाइफ लेकर के आप घर में आ भी गए तो एंड में क्या मिला आपको कुछ भी नहीं तो फिर क्या करोगे और ज्यादा एंडल्ज हो जाओगे इसीलिए आजकल आप एक नए ट्रेंड को ऑब्जर्व करोगे अगर बारीकी से देखोगे पहले के टाइम में क्या होता था कि साठ सत्तर साल की एज में जाकर के बाल सफ़ेद होना शुरू होते थे लोगों के सर मेरे अभी तीन चार हैं अभी तीन चार है ना अभी आपकी एज कितनी है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स तो सोचो तीस साल की एज तक क्या होगा तीन चार से कम से कम तीन सौ चार सौ हो चुका होगा तो अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है ध्यान से ऑब्जर्व करना और इसको आप देखना लोगों को कि एज है चालीस साल देखने में लग रहे हैं पचास साल के साठ साल के चाहे बाहर उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है दुनिया की नजरों में अंदर से क्या है कुछ भी नहीं है हुँ. क्या ऐसी लाइफ चाहिए आपको बिल्कुल डज इट एक्साइट यू यू इफ सेइंग बिल्कुल भी नहीं तो अब बचा क्या ऑप्शन क्या बचा थिंक अबाउट डूइंग समथिंग क्रिएटिव जहां से कि आप जीरो से किसी चीज को शुरू करो और कुछ क्रिएट कर दो हर बच्चा यही तो चाहता है एक बच्चे को मजा किस में आता है सोचो जब आप छोटे थे किसमें आपको ज्यादा मजा आता अगर आपको ऑप्शन मिलता तो कि आप सी बीच पर बैठे हो और एक कैसल खुद बना रहे हो अपने हिसाब से जैसा आपको बनाना है वैसा और एक है एक कैसल बना बनाया मिल गया है उसी को थोड़ा बहुत कुछ करते रहो टचअप करते रहो बैठे बैठे बस खत्म ज्यादा नहीं कर सकते वो भी जितना कहा जाए उतना ना उससे ज्यादा ना उससे कम बिल्कुल भी नहीं पहले किसमें मजा आता कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टिंग कैसल राइट फ्रॉम द स्क्रैच टू द इससे एक रिलेटेड एक आगे एक और क्वेश्चन है कि अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको समझ आ गई और लाइक like हमें बैठ के क्या सोचना है एनालाइज कर लिया हमने देन कम्स द पार्ट ऑफ एक्शन सर एक ना ब्रिज है इनविजिबल ब्रिज बिटवीन प्लानिंग एंड एक्शन सर हाउ टू कवर दैट ब्रिज कि हमने जो अपने अपने दिमाग में जो हमने अपना खुद का जैसे एग्जाम्पल घर बनाया हुआ है बट वो घर अच्छा नहीं है उसको तोड़ के आपको फिर से घर बनाना है कैसे बनाया जाए स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाए एक एक्शन प्लान प्लान देखो ध्यान से समझो अगर ये सवाल आप मेरे से पूछते आज से 20 साल पहले जब मैंने अपने करियर को शुरू करा था तो मुझे आपको क्या बोलना पड़ता कि अब आप एक काम करो जो भी आपने अपने माइंड में कैसल बनाया हुआ है या जो भी एग्जिस्टिंग आपका कैसल है जहां से आपका घर चल रहा है मतलब कहीं ना कहीं से आप जॉब कर रहे हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो जहाँ से कि आपको एक पैसा आ रहा है जहाँ से आपका आपकी फैमिली का गुजारा हो रहा है या आपका एक लाइफ है वो सस्टेन हो रहा है तो बीस साल पहले मुझे क्या जवाब देना पड़ता आपको उसको छोड़ो और कुछ ऐसा करो जहाँ पर कि आप अपनी पूरी अटेंशन दे सको लेकिन आज वक्त बदल चुका है इस हद तक बदल चुका है विच इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन सब कुछ डिजिटल है और होने वाला है सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा आने वाले टाइम में On the click of a button, or on a tap, or on a touch, जो भी आप सोच रहे हो वो सब अगर अभी पांच क्लिक में होता है तो आने वाले टाइम में चार में होगा फिर तीन में होगा फिर दो में होगा फिर सिंगल में हो जाएगा और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको क्लिक भी ना करना पड़े आपको सिर्फ बोलना पड़े और वो काम हो जाए जो चाहिए वो आपने बोला बाकी सब ऑटोमेटिकली हो गया और जो भी आपको चाहिए वो अगले दिन आपके घर पर डिलीवर हो गया जो भी प्रोडक्ट चाहिए जो भी सर्विस चाहिए फ्यूचर ये है राइट ध्यान से समझो अब इसका सोल्यूशन क्या है आइदर यू कैन बी द कंज्यूमर ऑफ द कॉन्टेंट दिस डिजिटल कॉन्टेंट और वट एवर वी कॉल इट एज कॉन्टेंट आइदर यू कैन बी अ कंज्यूमर इंडिया की बेसिकली एक अपने आप में एक कंजम्पशन स्टोरी है इंडिया को बोलते हैं कि कंजम्पशन इकोनमी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इसी स्टोरी में जो बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा डाल रहे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि कंजम्पशन में बहुत पोटेंशियल है तो उन बिजनेसेस में आप देखोगे तो उसको बोलते हैं पीई मल्टीपल उसके पी मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा हैं ऐसी कंपनीज़ के अगर स्टॉक मार्केट में भी आप देखोगे क्यों लोग पागल हैं उसके पीछे सिर्फ इंडियंस ही नहीं वर्ल्ड वाइड ये स्टोरी इतनी ज़्यादा क्यों चल रही है क्योंकि ये कोई इमेजिनेशन नहीं है ये रियालिटी है इंडिया में बेस बहुत बड़ा है धीरे धीरे जो मिडिल क्लास है वो बढ़ती ही चली जा रही है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है लोगों के पास में पैसा आ रहा है तो जब पैसा आएगा तो क्या करेंगे उस पैसे को खर्चेंगे तो वो कौन है वो कंज्यूमर है उन्हीं कंज्यूमर्स में से एक कंज्यूमर आप हो yes. तो वो जो बिजनेसेस हैं वो क्या चाहते हैं या तो उस पूरे बड़े बिजनेस में आप एक रोल प्ले करो या तो वो ये चाहते हैं जिससे कि उस बिज़नेस को ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और आपको सैलरी मिल सके दैट इज़ वन दूसरा वो क्या चाहते हैं कि एज अ कंज्यूमर आप ज्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज हो जाओ ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम ऑनलाइन स्पेंड करो क्योंकि जितना करोगे उतनी ही ज़्यादा एड्स आप देखोगे जितनी ज़्यादा एड्स कंज्यूम करोगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर डिज़ायर्स बढ़ेंगे चीज़ों को खरीदने के उतना ही बिजनेसिस ग्रो करेंगे नाइन्टी लोग ऐसे ही जीने वाले हैं <laughs> वो बिल्कुल ऐसा है कि वो फंस चुके हैं एक ट्रैप में इस कंजम्पशन के ट्रैप में अब उनके डिज़ायर्स इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि वो डिज़ायर्स और नीड के बीच में फ़र्क ही खत्म हो गया है वो अपने डिज़ायर्स को अपनी नीड बोल रहे हैं और उन नीड्स को पूरा करने के लिए अब उनको वो करना ही पड़ेगा जिसको करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो अब वो उसको बेमन के करेंगे जब बेमन के करेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे या तो उनको कोई कैरेट दिखाई जाए ये करो ये करके ये इंसेंटिव मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा तब वो भागेंगे बट अगर जॉब ऐसी हुई जहाँ पर कोई इंसेंटिव नहीं है या कोई ऐसी कैरेट नहीं है कि दूर से उनको दिख रहा है कि अच्छा ये मिल जाएगा और वो कैरेट मिल भी गई तब भी कुछ मिलने वाला नहीं है तब भी वो कंज्यूमर रहेंगे तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं बदला है उनकी लाइफ में मीनिंगफुल कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है वो बदल नहीं गए हैं पहले भी कंज्यूमर थे अभी भी कंज्यूमर है पहले लैडर पे थोड़ा नीचे थे अब थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं बस खत्म पहले छोटी गाड़ी के कंज्यूमर थे अब बड़ी गाड़ी के कंज्यूमर हैं तो एक्चुअल में क्या बदला उनकी लाइफ में फंडामेंटली कुछ भी नहीं सर uh, uh, इससे पहले वाला क्वेश्चन एक्शन प्लान वट वट शुड बी द एक्शन प्लान टू गेट आउट ऑफ सर ये ऐसी रियलिटी है जिससे हम भाग नहीं सकते अभी एक्शन प्लान आपके लिए कौन बनाएगा और क्यों बनाएगा क्योंकि जो भी आपको एक्शन प्लान देगा वो एक्शन प्लान आपको ऐसा देगा जिसमें उसका फायदा है द मोमेंट यू आज सब कि भाई अब इसका क्या तोड़ है वो कहेंगे ठीक है ये पार्ट टाइम बिजनेस है ये हम ऑफर कर रहे हैं आपको ये करो अपने काम के साथ साथ में और हो जाओ माला माल कमाओ जितना कमाना है आपने सुनी होंगी ऐसी कहानियाँ हाँ हाँ बिल्कुल है ना हाँ अल्टीमेटली ये स्टिल द कंज्यूमर बिकॉज आप क्या ढूंढ रहे हो या लोग क्या ढूंढ रहे हैं एक शॉर्टकट कि मैं इस सबसे बाहर निकल सकूं कि मैं फ्री तो हो जाऊं मतलब मुझे ऐसा काम ना करना पड़े जो मुझे करना पसंद नहीं है लेकिन मुझे कुछ ना करना पड़े कोई और करे मेरे लिए काम या कोई पूरा का पूरा एग्जिस्टिंग एक सपोर्ट सिस्टम बन जाए मैं बस जा करके वहां पर जुड़ जाऊं और मेरा सारा काम हो जाए मुझे कुछ ना करना पड़े और मैं अमीर हो जाऊं ऐसे नहीं होता है <laughs> लाखों में किसी एक के साथ हो जाए बात अलग है बट सबके साथ नहीं होता है तो अगर लाखों में से किसी एक के साथ ही होना है तो अरे भैया वहां जाने से अच्छा है, एक लॉटरी की टिकट ही खरीद लो कैसीनो में जाकर के पैसा लगा दो वहां पे आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है थर्टी थ्री बाई वन थर्टी थ्री टू वन मैंने अपने पहले भी कई सेशंस में बताया है वहां जाकर के एक लाख रुपए लगा दो जीत गए तो तेतीस लाख नहीं जीते तो कुछ भी नहीं खत्म अगर यही करना है तो अगर आपको शॉर्टकट ही चाहिए तो बट अगर वो तेतीस लाख आ भी गया यानी एक लाख का तैतीस लाख हो भी गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी लाइफ में क्योंकि स्टिल अ कंज्यूमर बस फर्क क्या आएगा पहले सस्ती शराब पीते थे अब थोड़ी महंगी पीने लग जाओगे <laughs> पहले सस्ती सिगरेट पीते थे अब थोड़ी महंगी पीने लग जाओगे पहले थोड़े सस्ते कपड़े खरीदते थे सस्ते ब्रांड्स के अब थोड़े महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनने लग जाओगे तो फर्क क्या आया कुछ भी नहीं नथिंग एज चेंज नाउ कम्स द क्वेश्चन वॉट इज द एक्शन प्लान कैसे सबसे बाहर निकले सबसे पहला स्टेप पहले आपके अंदर से एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे इससे बाहर निकलना है इट्स लाइक अ माउस ट्रैप एक चूहा जो कि उसमें फंस चुका है अब वो पूछ रहा है कि मैं बाहर कैसे निकलू भाई बाहर निकलना नेक्स्ट टू तो इम्पॉसिबल है क्योंकि आप एक तरफ से नहीं आप चारों तरफ से फंस चुके हो <laughs> पहले तो आपके अंदर से ये आई कि मुझे इससे बाहर निकलना है आई डोंट वॉन्ट टू बी कंज्यूमर आई वॉन्ट टू बी क्रिएटर इन दिस डिजिटल इकोनॉमी क्रिएटर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दिस इज़ अ डिफरेंट माइंड सेट ऑल बहुत कम लोगों में माइंड सेट होता है क्यों क्योंकि इसमें इंप्लाइड क्या है एफर्ट एक बने बनाए कैसल में जा करके छोटा सा एक ब्रश लेकर के दिखाने के लिए काम करना या फिर एक छोटे से पार्ट को बस ऐसे ऐसे टच करते रहना वो एक अलग गेम है और पूरा का पूरा कैसल बनाना वो अलग गेम है बहुत बार लहरें आएंगी मिटा के चली जाएंगी कैसल को अब अगर एक्चुअल में आपके अंदर से आ गया है तो आपने पहला स्टेप क्रॉस कर लिया है यानी पहला स्टेप क्या हुआ इस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को देखना कि कितने बुरे तरीके से आप ट्रैप्ड हो और आपके अंदर से आया कि अब मुझे इससे बाहर निकलना है दैट इज स्टेप वन नाउ व्हाट इज स्टेप टू डोंट थिंक टू मच क्या सोचोगे वही तो सोचोगे जो आपके पास में नॉलेज है और एक्सपीरियंस है उसके बाहर कैसे सोच लोगे आ ब्रेन कैन नॉट थिंक बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी देयर और इंफॉर्मेशन आप ट भी करोगे तो ध्यान से देखो कैसी इंफॉर्मेशन आप एक्यूमलेट करोगे वही जैसी करते आए हो जैसी आपकी हैबिट है घूम फिर के आप वही इंफॉर्मेशन एक्यूमलेट करोगे तो थॉट प्रोसेस कहा चेंज हो रही है सो hmm. so, अब क्या किया जाए ध्यान से समझो अब आपको एक्शन लेने हैं छोटे से लेवल पर मतलब अपना जो बना बना है कैसे ले उसको नहीं छेड़ना है वो पढ़ा है पढ़ा है यानी अगर एक जॉब कर रहे हो तो करते रहो साथ में क्या करना है इवनिंग में आपको टाइम मिलता है वीकेंड्स पे टाइम मिलता है सुबह टाइम मिलता है उस टाइम पे क्या करना है अपना कुछ क्रिएट करना है वो क्रिएट करने के लिए आपको कोई फिजिकल ऑफिस नहीं चाहिए कोई फिजिकल स्पेस नहीं चाहिए सब कुछ ऑनलाइन है क्या किया जा सकता है हज़ारों ऑप्शन है बस आपको देखना है कि उन ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ में मैच हो रहे हैं या फिर जिसको सीखने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है पहले पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या है बहुत है जिसका दिमाग खुला हुआ है उसके लिए इतनी पॉसिबिलिटीज है जिसकी कोई हद नहीं है मतलब अगर आज आप मेरे को कहो ना कि एक बिजनेस शुरू करना है दस हजार रुपए से और वहां से दस करोड़ कमाने हैं तो मेरे पास में अभी इसी वक्त हजारों आइडियाज है मैं दो चार नहीं कह रहा पांच नहीं कह रहा हजारों आइडियाज है अब आप पूछोगे करते क्यों नहीं हो मेरा इंटरेस्ट नहीं है पैसे में मेरा इसमें इंटरेस्ट है पैसा गवाने में इंटरेस्ट है फिलहाल जो अभी हो रहा है कमाने में इतना नहीं है अब वो क्या है वो मैंने फिगर आउट कर लिया कि मेरे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है मोर मनी इज नॉट गोइंग टू गिव मी मोर हैप्पीनेस यस एंड देन कम्स कि आई वॉन्ट टू बी अ क्रिएटर सो आई एम क्रिएटिंग बट फॉर फ्री आई एम नॉट टेकिंग मनी फॉर इट बट एट योर स्टेज इन लाइफ यू कैन क्रिएट समथिंग वॉट यू लव क्रिएटिंग एंड यू कैन गेट मनी आउट ऑफ इट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जा करके यू हैव गॉट इनफ ऑफ मनी वैन यू हैव अटेन्ड फाइनेंशियल फ्रीडम उसके बाद में हो सकता है आपके अंदर से आए कि अब मेरे को क्रिएट करते रहना है मे बी ये तो चलता रहेगा ये मेरा बिजनेस हो गया ये मेरा प्रोफेशन हो गया अब ये मेरा पैशन है एंड आई नॉट वर्क फॉर मनी एनी मोर ना यू आर इंटरनली ड्रिवन अब बाहर से कोई कैरेट नहीं है जो आपको भगा रही है वो ग्राफ अपने आप ऊपर जाना शुरू हो जाएगा हंड्रेड परसेंट ग्राफ कितना ऊपर जा सकता है कोई लिमिट ही नहीं है मैं बता तो रहा हूँ इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं आज की डेट में क्योंकि सोचो ना जब मैंने अपना करियर शुरू किया था बीस साल पहले तब अगर मेरे को कुछ भी करना है तो आई नीड अ फिजिकल स्पेस डिजिटल नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं बीस पच्चीस साल पहले स्मार्टफोन नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इंटरनेट होता था कुछ के का तो क्या करना पड़ेगा न्यूज़ हो गए फिजिकल ऑफिस स्पेस हो गई मतलब बहुत रेंट महीने का बहुत खर्चा महीने का मतलब आपको कुछ भी करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा बहुत बड़ी अमाउंट का और टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्यों क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन है आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन है वॉट डज दैट मीन टाइम का कोई पंगा नहीं है आप चाहे दिन में करो चाहे रात में करो पैसे का कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि आप हज़ार रुपये महीने में अपना एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो जा कर के शॉपिंग पर या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर वर्ल्ड प्रेस पर एंड यू कैन जनरेट मोर सेल्स फ्रॉम दैट स्टोर जितना कि लोग ऑफलाइन स्टोर से जनरेट कर रहे हैं और ये थोरॉटिकल बात नहीं है बहुत लोग ये ऑलरेडी कर रहे हैं आई एम दैट दैट सीन तो सर हम इसको मैसेज सोच सकते हैं कि पुरानी हैबिट्स जो हैं उनको रहने दें मतलब रहने दें उस तरफ से ध्यान तो हटा लो ध्यान हटा लें और न्यू हैबिट्स की तरफ हम आगे मूव ऑन करना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली दिस विल एलिमिनेट दो बैड हैबिट्स एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड दो चीज़ें होंगी या तो वो बैड हैबिट्स जिसको आप बैड कह रहे हो या तो वो लिमिट में रहेगी या वो धीरे धीरे कम हो जाएगी बट एक बात पक्की है कि आप कंज्यूमर से क्रिएटर की तरफ चले जाओगे अगर माइंड ऐसे चलने लग गया तो यू विल थिंक मोर अबाउट क्रिएटिंग समथिंग इंटरेस्टिंग एक है क्रिएटर माइंडसेट एक है कंज्यूमर माइंडसेट दोनों बहुत अलग है एक में आपकी ब्रेन पूरी एक्टिवेट हो रही है यानी आपको एक्टिवली अपनी राइट right ब्रेन को भी एंगेज करना पड़ेगा अपनी इमेजिनेशन पावर्स को भी और लेफ्ट ब्रेन को भी यानी प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा यानी आपकी ब्रेन पूरी तरह से एक्टिवेटेड है और कंज्यूमर में क्या है कुछ भी नहीं करना है बस बैठे रहो देखते रहो अपने आप सब कुछ होता रहेगा अपने आप का भी राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगी यानी इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाओगे प्रैक्टिकल तो कुछ है ही नहीं ऐसे ही घूमता रहेगा दिमाग तो ये स्टेप्स क्लियर हैं अब तीसरा स्टेप क्या है दो स्टेप्स क्लियर हो गए ये yes, सर पहला है रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट दैट यू आर ट्रैप्ड सेकंड इज टू टेक एक्शन एट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेवल मतलब महीने का आपने एक बजट बनाया कि महीने का मैं पाँच से दस हज़ार रुपये इन्वेस्ट करूंगा अपने पैशन को फॉलो करने के लिए ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस और कोई शॉर्टकट नहीं मारा ये नहीं कि ये ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये कर लो वो कर लो समझ गए ये कोर्स कर लो वो कोर्स कर लो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी ऐसे नहीं बदलती है जिंदगी तो क्या करा छोटे छोटे स्टेप्स उठाए उस डायरेक्शन में यानी कुछ लॉन्च कर दिया तो जब लॉन्च करोगे कुछ करोगे तब सीखोगे ना यस yes. क्या कर सकते हैं अरे अनलिमिटेड ऑप्शन हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना है आपने नहीं सर अच्छा उसमें क्या होता है आपको कोई प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स कोई और बनाएगा उसको अपने हाउस में स्टोर कोई और करेगा डिलीवर कोई और करेगा ओके okay. आप ऑनलाइन सिर्फ अपनी एक वेबसाइट बनाओगे जहां से आप उसको प्रमोट करोगे या मार्केट करोगे तो एक बार ऑर्डर आया तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है आपकी कोई ही नहीं है ओके इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि वहाँ पे जब डिलीवर होगा तो आपके ब्रांड का नाम आएगा लेकिन बाकी सारी हेडेक जो है वो ड्रॉप शिपिंग कंपनी की है और एक तरफ से जो प्लेटफॉर्म बना जहाँ से पेमेंट आ रही है क्लाइंट्स इंट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके ब्रांड से कर रहे हैं बट उनको जो भी कुछ मिल रहा है वो आप मान लो एक तरीके से ये जो कंपनी बीच में है मीडिएटर है इसने मैनुफैक्चर से और सप्लायर से टाइप किया हुआ है बाकी सब ये हैंडल कर रही है मानो आपको एक प्रोडक्ट मिला दो सौ का आपने उसको बेचा आठ सौ का तो अब आपकी उस प्रोडक्ट को बनाने की भी हेडेक ख़त्म उस प्रोडक्ट को स्टोर करने की भी हेडेक ख़त्म सारी हेडेक ड्रॉप शिपिंग कंपनी की है अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है इतना आसान हो चुका है सब कुछ आज की डेट में जिसकी कोई हद नहीं है बस लोगों का दिमाग टाइम के साथ साथ और बंद होता चला जा रहा है क्यों क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बात करी ना कंजम्पशन स्टोरी की क्योंकि इस ट्रैप में फंसा दिया गया है आपको कि काम करो वहां से पैसा कमाओ और पैसा उड़ाओ ये बढ़िया लाइफ होती है बड़ी गाड़ी बढ़िया से बढ़िया फ़ोन बढ़िया से बढ़िया लाइफ बढ़िया बड़ी से बढ़िया पार्टीज बढ़िया से बढ़िया पब्स बढ़िया से बढ़िया ये बढ़िया से बढ़िया वो बढ़िया से बढ़िया कपड़े बढ़िया से बढ़िया ब्रांड्स तो इस पूरी स्टोरी को अगर आप ध्यान से देखोगे ये उनकी अपनी स्टोरी नहीं है ये बेसिकली बहुत पुरानी स्टोरी है जो कि डेवलप्ड इकोनॉमी से आ रही है यूएस से आ रही है यस सर और कहीं ना कहीं एक टर्म है द बिग अमेरिकन ड्रीम करके राइट और हम ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि ठीक है कंजम्पन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ बट वी हैव टू टेक एक्शंस और सर आई गॉट द आंसर लाइक वॉट जब मैं क्वेश्चन लेकर आया था आई गॉट ऑल द आंसर्स परफेक्ट और जब आप एक्शंस लोगे तो रास्ते अपने आप निकलते चले जाएंगे बिल्कुल ऐसा है जब आप अपने घर से निकल जाते हो ना कहीं के लिए जब तक बैठे बैठे सोच रहे हो तो सोच रहे हो बट आपने सोच लिया कि अब मुझे ट्रैकिंग पे जाना है वहाँ पर तो अभी आपको नहीं पता वहां पर आप जाओगे तो क्या रास्ते होंगे हो सकता है रास्ते में बारिश आएगी ये होगा वो होगा वॉट बट एक बार सोच लिया ना कि मेरे को जाना है तो बाकी के रास्ते अपने आप निकलते चले जाएंगे लोग मिलते चले जाएंगे रास्ते में तो एक ग्रुप भी बन जाएगा समझ गए एक टीम बन जाएगी तो अल्टीमेटली ये विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है ये नहीं कि मुझे ये पाना है दोनों में बड़ा फ़र्क है पाने का जो डिज़ायर है वो आपको भिखारी बना देगा और जो बनने का डिज़ायर है वो आपको आज़ाद कर देगा सर आपके एक सेशन में आपने बोला था कि हम कोई एक गोल डिसाइड करते हैं अगर हम हम उस पर आगे बढ़ते हैं अगर हम उसी पे स्टक रहें दिस इज़ नॉट राइट थिंग चेंजेस हैपन राइट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस राइट सो आपको अपने एक रास्ता अपने आप आपको मिलता जाएगा ऑब्वियसली देखो जब आप अपना कुछ करना शुरू करोगे जो मैंने अभी सेकेंड स्टेप की बात करी थी यानी छोटे छोटे एक्शंस लोगे अपने बेस पर कुछ करोगे तो आप कुछ सोच करके करोगे लेकिन उसमें से होगा कुछ और फिर आपको अपनी थॉट प्रोसेस को अलाइन करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल में हो रहा है फिर उसको चेंज करोगे।, hmm. करोगे हो सकता है डिजाइन को चेंज करोगे हो सकता है प्रोडक्ट को चेंज करोगे हो सकता है सर्विस को चेंज करोगे हो सकता है मार्केटिंग को चेंज करोगे जब इतना कुछ आप ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ उसमें से एक चीज क्लिक कर जाएगी एंड द मोमेंट इट क्लिक्स योर लाइफ इज नाउ गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टूगेदर सब कुछ बदल चुका है अब आपकी लाइफ में एक बार वो एक चीज क्लिक कर गई तो आई होप यू गॉट ऑल आंसर्स जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं मोर देन वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर गॉड ब्लेस यू